वेलकम दोस्तों, मैं हूं एमएस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एम सैयद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में हमारे देश को ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारे देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, पेट्रोल सौ के पार पहुंच चुका है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, करने के लिए कोई काम नहीं है, रसोई गैस के दाम ऊँचाई पर पहुँच चुके हैं, खाने के तेल की कीमतें बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में जो है इन मुद्दों पर कभी बात ही नहीं होती। हमारे देश का जो गोदी मीडिया है वो इन मुद्दों पर कभी बात ही नहीं करता। गोदी मीडिया जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में लगा हुआ है, और सरकार की नाकामियां छुपाने में हमारा गोदी मीडिया जो है उसने तो हद पार कर दी है। अगर चापलूसी में अगर कहीं अवार्ड दिया जाए तो गोदी मीडिया जो है ये सबसे पहला अवार्ड हमारे देश की गोदी मीडिया को ही दिया जाएगा। मतलब चापलूसी करने की तो इन्होंने हद ही पार कर दी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे मुद्दे पे जिसकी अभी फ़िलहाल तो देश को ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है, जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं तो हिंदू मुसलमान करना ये तो हमारे देश की एक आम बात है। हमारे देश की राजनीति इतनी गंदी राजनीति कुछ लोगों ने कर दी है कि जब भी चुनाव आते हैं तो बस हिंदू मुसलमान करिए, डिवाइड एंड रूल खेलिए और बस सत्ता में आइए। तो दोस्तों, हम बात करने वाले आज की वीडियो में दो मुद्दे पर। एक तो महाराष्ट्र का है, जहाँ पर महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में रहने वाली एक हिंदू लड़की रसिका, जिसने मुसलमान लड़के आसिफ खान से शादी की है। दोस्तों, जब इनकी शादी का कार्ड वायरल हुआ, इसमें शादी का कार्ड छपा तो ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें हिंदू लड़की का नाम तो हिंदू है लेकिन लड़के का जो नाम है वो है आसिफ खान। दोस्तों, जैसे ही लोगों ने ये कार्ड देखा जिसमें मुसलमान लड़के का नाम देखा तो लोगों को ये बात हज़म नहीं हुई, हिंदू लड़की के साथ मुसलमान लड़के की शादी। लोगों ने इसे जबरन धर्म परिवर्तन का मामला बताया, लव जिहाद का मामला बताया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि रसिका और आसिफ की जो शादी है वो ऑलरेडी मई महीने में परिवार वालों की और दोनों की रजामंदी से नासिक के स्थानीय अदालत में हो चुकी थी। लेकिन रसिका के परिवार वालों का कहना था कि विदाई से पहले हिंदू रीति रिवाज से हम रसिका की शादी करना चाहते थे, रसिका को हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से विदाई हम करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, समाज में जो है ऐसे बहुत सारे लोग होते जिन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम का ही एंगल तलाश करना होता है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। रसिका के पिता का कहना है कि रसिका शारीरिक रूप से विकलांग होने की वजह से अच्छा लड़का उसके लिए मिलना मुश्किल था, और रसिका की खुद रजामंदी थी आसिफ के साथ शादी करने के लिए। दोनों परिवार एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे, लड़का और लड़की दोनों राजी थे, इसमें जबरन धर्म परिवर्तन का कोई मामला नहीं है, इसमें ना ही कोई लव जिहाद का मामला है। यहाँ तक कि लड़की के परिवार वालों, लड़की के पिताजी ने बताया कि इसमें कोई ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की हुई है, हम अपनी मर्ज़ी से आसिफ खान के साथ हमारी बेटी की शादी करवा रहे हैं, और रसिका खुद शादी के लिए राज़ी है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, जब भी कोई ऐसा मामला हमारे सामने आता है तो हिंदू मुसलमान का जो एंगल है तलाश करने वाले बहुत सारे लोग है जो निकल के आ जाते हैं। वैसे ही रसिका के परिवार के आसपास रहने वाले लोगों ने भी इस शादी का काफ़ी विरोध किया, यहाँ तक कि रसिका के जो समाज वाले लोग हैं उन्होंने भी रसिका के पिताजी को फ़ोन करके शादी कैंसिल करने को कहा, और इतना प्रेशर बनाया गया कि आखिर उन्हें शादी कैंसिल ही करनी पड़ी। दोस्तों, जब लड़का और लड़की लीगली तरीके से, यहाँ तक कि लड़का और लड़की ही नहीं बल्कि दोनों के परिवार वाले भी इस शादी के लिए सहमत थे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू मुसलमान का एंगल लेकर आते हैं, और इसे लव जिहाद का मामला लोगों ने बताना शुरू कर दिया। लेकिन रसिका के पिताजी ने कहा कि इसमें जबरन धन परिवर्तन का भी कोई मामला नहीं है और ना ही लव जिहाद का कोई मामला है। तो दोस्तों, और चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना है कि इन दिनों 2022 में यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, मुख्यमंत्री के, लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसमें इन दिनों उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा काफ़ी गर्माया हुआ है। दोस्तों, जब भी जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे की बात होती है तो इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल ज़रूर लाया जाता है। ये कानून का ड्राफ्ट 11 जुलाई मतलब जनसंख्या दिवस के मौके पर इस कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया है और लोगों से इस पर राय मांगी गई है। दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है ये बताया जा रहा है कि इसमें जो ड्राफ्ट है इसमें जो नियम बनाए गए हैं, जैसे कि दो से ज़्यादा अगर बच्चे किसी के होते हैं तो उनको सरकारी सेवा सुविधा नहीं मिलेगी, अगर एक बच्चा हो तो उसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल दी गई है, एक बच्चे वाले को सरकार की तरफ से कुछ धनराशि भी मिलेगी, अगर दो से ज़्यादा अगर बच्चे हो तो उस व्यक्ति को ना ही निकाय चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, ना ही कोई सरकारी योजना मिलेगी, ना ही उसे सरकार की तरफ से राशन दिया जाएगा।
राशन कार्ड में सिर्फ 4 लोगों के ही नाम होने चाहिए। तो ये जनसंख्या नियंत्रण में बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल मौजूदा जो हालत है दोस्तों, इस जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध सिर्फ मुसलमान ही नहीं कर रहे, बल्कि बहुत सारे ऐसे हिंदू संगठन भी है जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, और कई सारे ऐसे हिंदू नेता है जिन्होंने इससे पहले हिंदू औरतों को 10-10 बच्चे पैदा करने की नसीहत भी दी है दोस्तों। तो ये इससे एक ही बात साबित होती है, मतलब ये यूपी में जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जा रहा है, तो ये उन्हीं लोगों के मुंह पे तमाचा है, उन्हीं जो हिंदू लोग जो कहते थे कि हिंदू औरतों को 10-10 बच्चे पैदा करने चाहिए, उन्हीं के लोगों के मुंह पे ज़ोरदार तमाचा मारा है योगी आदित्यनाथ सरकार ने, जो कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की बात कर रहे हैं। तो और कहा ये भी जा रहा है कि अगर ये यूपी में लागू होता है तो पूरे देश में इसे लागू करने की बात उठाई जाएगी, और कई दिनों से ये कानून लागू करने की मांग भी हमारे देश में हो रही है। लेकिन दोस्तों जिस चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं ना, उस चीज़ के कोई नुकसान भी होते हैं। अगर हमारे देश का गोदी मीडिया क्या करता है, कोई भी चीज़ अगर बीजेपी सरकार की तरफ से लाई जाती है, कोई भी कानून अगर बनाया जाता है, तो उसकी बस बढ़ाई उसकी बस तारीफ ही करने में लगा हुआ होता है। लेकिन दोस्तों अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे देश में आता है या फिर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू भी होता है, तो इसके सिर्फ फ़ायदे नहीं होते दोस्तों, इसका नुकसान भी है। इसके नुकसान क्या होंगे दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है भारत दोस्तों, और हमारे देश की ज़्यादातर आबादी जो है वो युवा है, यूथ है। अगर ये 2 बच्चों का कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लेके आ गई सरकार, तो इसमें क्या होगा, हमारे देश के जो लोग हैं अभी फ़िलहाल जो मौजूदा जो लोग हैं उसमें क्या होगा, लोग ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मुसलमानों को होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी फ़िलहाल जो है मौजूदा जो हालात है इसमें 98% सरकारी नौकरियों में जो लोग हैं वो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, मुसलमान जो है सिर्फ वो 2% ही हैं। अगर ये कानून लाया जाता है तो इससे क्या होगा, ये हिंदुओं के लिए ही, हिंदू भाई बहनों के लिए भी ये इतना फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। मुसलमान तो ऑलरेडी वैसे सरकारी नौकरियों में है ही नहीं, मुसलमानों को सरकारी नौकरियाँ मिलती भी नहीं है। तो बताने का मकसद ये है दोस्तों, क्या होता है जब भी इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो ये जो सरकार है ये अपनी गंदी राजनीति जो है शुरू कर देती है। जैसे कि अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, उसमें भी हिंदू मुसलमान का एंगल ये लोग लेकर आ गए, और अब भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो रही है इसमें भी ये हिंदू मुसलमान का एंगल लेकर आ रहे हैं। मतलब एक से ज़्यादा शादियाँ हिंदू मुसलमान लोग करते हैं, और ये अक्सर मिसाल देते हैं कि 4-4 शादियाँ करते हैं, 40-40 बच्चे पैदा करते हैं, तो इससे मुसलमानों की आबादी कम होने में, मुसलमानों की आबादी जो है पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, मुसलमान ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगा ऐसे बहुत सारे, यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद ने तक ये कानून को जो है विरोध किया है, क्योंकि उसमें नियम कुछ ऐसे बनाए गए हैं दोस्तों कि जो हजम ही नहीं हो सकते, एकदम बकवास नियम है। अगर और इस कानून का जो है मसौदा ड्राफ्ट जो है तैयार किया गया है, और लोगों से इस पर अपनी राय मांगी गई है दोस्तों, देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून में जो है अभी फ़िलहाल तो देश को कोई ज़रूरत नहीं है, अगर जनसंख्या कानून नियंत्रण कानून लाया भी जाता है तो देखते हैं इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे देश का जो मीडिया है ना वो कभी अच्छी खबरें नहीं चलाता, जो पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे देश में जो है नेगेटिविटी जो फैली है, नफरत की जो राजनीति है, इसका सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदार कोई है तो हमारे देश का गोदी मीडिया है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कभी भी ये नहीं चलाया, ये नहीं बताया, इन्होंने अच्छी बातें बताई नहीं, इन्होंने सिर्फ अपनी TRP हासिल करने के लिए, मतलब अपने चैनल को बढ़ाने के लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति की है। जब भी कोई ऐसा मामला आता है जिसमें कि थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का एंगल होता है तो बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं, लोगों की भावनाओं को भड़काते, मतलब नफरत फैलाने की कोशिश हमारे देश का गोदी मीडिया हमेशा करता रहता है। तो दोस्तों क्या आपको क्या लगता है कि हमारे देश को वाकई में फ़िलहाल में लोक संख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत है या नहीं है? दोस्तों बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही दोषी ठहराया जाता है। जब भी ऐसी बात होती है जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, पिछली वीडियो में मैंने बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो न्यूज़ वाले मीडिया वाले क्या करते हैं, ये जो गोदी मीडिया है, गोदी न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल है, ये मुसलमानों का फ़ोटो उस पर लगा देते हैं और एकदम बड़ा चढ़ा कर हेडलाइन बताते हैं, जिससे क्या होता है हमारे जो हिंदू भाई बहन है देखने वाले उनके दिलों में अक्सर यही आता है कि यार मुसलमान हमेशा गलत होते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, कोई भी बात अगर होती है तो उसकी सच्चाई जाने बगैर हम उस पर फैसला नहीं ले सकते। हम अक्सर न्यूज़ में देखते, यूट्यूब में देखते, वीडियो सोशल मीडिया पे तो
सोशल मीडिया तो आजकल एक जातिवाद का अड्डा ही बन चुका है, वहाँ पे कोई अच्छी खबरें आती नहीं, सब तरफ नफरत नेगेटिविटी भी फैली हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैंने बताया जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में, और नासिक में जो मामला हुआ रसिका और आसिफ की शादी के बारे में, जिसमें भी लोगों ने काफ़ी बवाल किया, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन का मामला कहा, जिसे लव जिहाद का मामला कहा। लेकिन दोस्तों यहाँ तक कि इन सब बातों को जो है रसिका के पिताजी ने खुद खारिज कर दिया है, ना ही इसमें लव जिहाद का मामला है और ना ही इसमें जबरन धन परिवर्तन का मामला है। रसिका और आसिफ खान की जो शादी हुई है दोनों परिवारों की मर्ज़ी से हुई है, लड़का और लड़की दोनों की मर्ज़ी से हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियो हम आपके लिए रोज़ लाते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।